विश्व महासम्मेलन जिला इकाई की बैठक नरसिंहगढ़ में संपन्न हुई। बताया गया कि प्रदेश में इकलौता भवन जो भोपाल में तैयार हो रहा है, मध्य प्रदेश ये भवन 17 करोड़ से तैयार हो रहा है। खास बात यह है कि इसमें जमीन स्वयं खरीदी गई है, सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं ली गई। बताया गया रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ है और 14 फरवरी को बसंत पंचमी पर नरसिंहगढ़ महिला मंडल द्वारा भी रक्तदान किया जाएगा। चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में। आज के आयोजन में माननीय उमा शंकर जी गुप्ता साहब, जो कि राज्यसभा के 5 जो चुने जाने हैं उनमें प्रथम दावेदार और विश्व महासम्मेलन के अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष का जो संदेश है उसको लेकर हमारे महामंत्री जी सुधीर जी अग्रवाल साहब और मित्तल जी जगदीश जी मित्तल साहब यहाँ पधारे। उन्होंने जो समय दिया है और जहाँ समाज और एकता और संगठन के लिए जो उनने हमको मंत्र दिए हैं उसका हमें परिपालन करना है। और जो यहाँ की जगह जो ये फरवरी का माह जो है भवन से भवन को भावनाओं से जोड़ने के लिए उन्होंने जो मंत्र दिया है उसके लिए जो ये भवन बन रहा है वो मंदिर के रूप में बन रहा है वे समाज के लिए, उसके लिए और आगामी 14 फरवरी के कार्यक्रम को और ऊंचाइयां देने के लिए जो पधारे हैं उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं और आने वाले सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ठीक है, क्या जो बैठक हुई है क्या निर्णय लिया, क्या विशेषता आज? रूटीन बैठक है, विश्व महासम्मेलन के लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। आज की बैठक का प्रमुख विषय वैश्य भवन, जो मध्य प्रदेश में वैश्यों का इकलौता भवन है जिसमें करीब 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। ये जमीन हमने सरकार से अनुदान में नहीं ली, इस जमीन को हमने खरीदा है। इस वैश्य भवन में मध्य प्रदेश के वैश्यों की भावनाएं जुड़े, इस निमित्त आज इस बैठक पे हमने भावनाएं जोड़ने की बात कही है। और राजगढ़ जिले ने मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रक्तदान किया है उसकी बधाई देने का काम और आने वाले 14 तारीख को बसंत पंचमी सरस्वती पूजन के कार्यक्रम के संबंध में आज की बैठक के प्रमुख विषय है। नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।